जैसे कि आपको पता है एवरी वीक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग का स्टॉक, और ऐसा वैसा स्टॉक नहीं, ऐसा स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ जिसकी हेल्प से आप अच्छे खासे मोटा सा प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, तो आज भी है क्या संडे, तो आज भी मैं प्रोवाइड करूँगा आपको पोजिशनल ट्रेडिंग का स्टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम नवजीत, और मैं आज आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग का कुछ ऐसा स्टॉक जिनके हेल्प से आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ऐसा वैसा कोई स्टॉक नहीं है, टॉप 5 स्टॉक है जिनमें से आप ट्रेड करके डेफिनेटली प्रॉफिट कमा सकते हो, लिख कर रख लो आप। ओके एंड गाइस, हाँ मैं एवरेज सैटरडे को प्रोवाइड करता हूँ, बट कुछ पर्सनल काम की वजह से बिजी था इसलिए मैं ये वाला जो वीडियो है आज संडे को अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस माफ़ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, पेन पेपर पास लेकर बैठना, जो जो बोलूँ वो नोट करना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अगर प्रॉफिट कमाना है तो बिल्कुल ध्यान से देखना, और गाइस हमको सपोर्ट करना इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए, और गाइस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करना। तो गाइस देखो, प्रीवियस वीक में मैं आपको प्रोवाइड किया था 5 स्टॉक। ओके, 5 स्टॉक में एक स्टॉक रेंज पे रह गया, ना लॉस दिया है ना प्रॉफिट दिया है, कुछ भी जान देती हूँ, और बाकी 4 स्टॉक ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है। ओके, एक हफ्ते में 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ऑप्शन में काम करें, फ्यूचर्स में काम करें या कैश में काम करें, जो भी करें, 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट एक वीक में बहुत ही ज़्यादा होता है। और डेली बेसिस पे भी मैं कॉल वगैरह देता रहता हूँ, यूट्यूब पे भी देता हूँ, और प्रीमियम ग्रुप है उस पे भी देता हूँ। अगर आपको जानना है कौन सा कॉल देता हूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर अच्छा खासा कॉल्स आता रहता है। अगर हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है, आपको ज्वाइन होना है, दिसंबर मंथ का ज्वाइनिंग भी चालू है, तो मिनिमम फीस पे करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो ये सब छोड़ो, अब आपको बताते हैं इस वीक मैंने कौन सा स्टॉक आपके लिए निकाला है। इस वीक के लिए भी मैंने आपके लिए टॉप 5 बेस्ट स्टॉक्स निकाला है आपके लिए, एकदम बेहतरीन स्टॉक जिस पे ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बट गाइस देखो, कोई भी स्टॉक पे ट्रेड करके आप जनरेट नहीं कर सकते हो जब तक आप मनी मैनेजमेंट आपको नहीं आएगा, स्टॉप लॉस लगाना आपको नहीं आएगा, रिस्क रिवॉर्ड इश्यू आपको नहीं आएगा। ओके, तो ये सब आपको आना चाहिए, तभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट शेयर मार्केट से उठा सकते हो, एकदम लिख कर रख लेना ये भी। तो देखो, मैंने टॉप लूजर्स पे भी स्टॉक निकाला है, लिया है टॉप लूजर्स से, और टॉप गेनर्स से भी स्टॉक लिया है, तो आपको बताएंगे स्क्रीन पे जाकर एनालाइज करके कौन सा स्टॉक पर हम क्यों बाय करेंगे, क्यों सेल करेंगे, और कौन सा पॉइंट पे बाय करेंगे, उस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्यों बाय करेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्यों हम सेल करेंगे, ये तक आपको बताए वीडियो में। ओके, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, और टेक्निकल एनालिसिस का आपको अगर नॉलेज थोड़ा सा लो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर जाकर भी आप सीख सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। और गाइस हाँ, मेरा जो बेहतरीन स्ट्रेटेजी है वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटेजी, उसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है, काइंडली प्लेलिस्ट पे जाकर देख लो, 3 वीडियो आपको मिलेगा वॉल्यूम बेस्ड सीक्रेट स्ट्रेटेजी का, जिसके मदद से आप हर रोज़ अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ओके, तो अभी ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, बस सिंपल यही बात बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और वीडियो को लाइक कर देना, और अभी क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और चलना है स्क्रीन पे, वहाँ पर आपको समझेंगे। चलिए तो दोस्तों, हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। ओके, आपको अभी बताएंगे प्रीवियस वीक का जो स्टॉक दिया था उस स्टॉक ने आपको कितना प्रॉफिट दिया है। ओके, और अगर किसी ने लॉस दिया तो कितना लॉस दिया वो भी आपको समझाएंगे। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, ताकि मैं समझ पाऊँ आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आ रहा है और अच्छे तरीके से मैं उसको समझा पाऊँ आपको, इसलिए। ओके, और कहते हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, थोड़ा सा वीडियो का रीच बढ़ने के लिए। तो देखो, मैं आपको प्रीवियस वीक में कौन सा स्टॉक दिया था, कॉनकॉर्ड दिया था। तो कॉनकॉर्ड को देखिए, मैंने कब बोला था आपको बाय करने के लिए, जिसने फॉलो किया होगा एनालिस्ट उसको पता होगा, 611 के ऊपर मैंने बोला था आपको लॉन्ग करना है, और 628 का टारगेट दिया था, बट टारगेट के ऊपर भी और डबल प्रॉफिट दे दिया है यहाँ तक 650 तक। ओके, 611 से ऑलमोस्ट कितना प्रॉफिट है आप काउंट कर लीजिए। ओके, 31 पॉइंट्स का। ओके, 31 पॉइंट्स का प्रॉफिट, सॉरी 39 पॉइंट्स का, 39 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है हमको किसने, कॉनकॉर्ड ने। तो जिसने कॉनकॉर्ड में प्रॉफिट बुक किया वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलते बजाज ऑटो पे। तो जो लोग भी प्रीवियस वीक भी मेरा ये एनालिसिस देखा था तो वो देखो, मैं बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के लिए दिया था। ओके, तो मैंने बोला था बजाज ऑटो,
आपको सेल करना है 3317 के नीचे और बाय करना है 3383 के ऊपर। 3383 के ऊपर तो गया नहीं मार्केट, नीचे आया है। नीचे देखो कहाँ तक आया है, 3220 तक ऑलमोस्ट पहुंचा है। कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट है अब समझ लो, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट। ओके, 3200 से 3300 पकड़ लो, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है किसने, बजाज ऑटो ने। नेक्स्ट है हीरो मोटो। ओके, हीरो मोटो पे चलते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं इसमें लॉस प्रॉफिट कितना है। देखो यहाँ पर भी प्रॉफिट ही हो रहा है क्योंकि 2599 के ऊपर बाय करना था, इसके ऊपर तो मार्केट गया नहीं। 2519 के नीचे आपको सेल करना था और कहाँ तक आया देखिए, ऑलमोस्ट 2400 तक आया। ऑलमोस्ट 24 नहीं तो कितना तक है एक बार देख लेते हैं। ओके ओके, तो हाँ 2413 तक आया है, सॉरी 2410। तो देखो 2590 से 2410, मतलब यहाँ पे पर भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट। ओके, अभी तक दो स्टॉक है, दो स्टॉक ने 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया। अब चलते हैं HDFC लाइफ पर, यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला था आप ध्यान से देखना। ओके, मैंने आपको बोला था 667 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, बट 655 के ऊपर रिट्रेस बाय करना है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो आपको सेल करना है, अदरवाइज ऐसे रिट्रेस बाय करना है। तो उस मार्केट तो एग्जैक्टली 655 पे नहीं पहुंचा। ओके, फिर भी मार्केट ने यहाँ पर सिग्नल दिखा दिया था कि यहाँ से रिवर्स होने वाला है, बड़ा बड़ा रिजेक्शन दिखा है। ओके, अगर आप दोबारा रिट्रेस बाय पे एंटर करते तो यहाँ से देखो यहाँ तक कितना बड़ा प्रॉफिट है। ओके, आई होप सबने प्रॉफिट बुक किया होगा इसमें। अगर किसी ने बुक नहीं भी किया होगा तो भी कोई बात नहीं, अगर बुक हो गया होगा तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो कमेंट करके बताना किसका हुआ है किसका नहीं हुआ। अगर टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज आपके पास है प्रॉपर तो आप शायद बुक कर लिए होंगे ये वाला प्रॉफिट। ओके, तो अब चलते हैं, हमारे पास लास्ट है बालकृष्ण इंडस्ट्री। ओके, यहाँ पर चेक करते हैं। अभी तो फोर स्टॉक ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है इस, तो ये देखिए ये है बालकृष्ण इंडस्ट्री। और यहाँ पर मैंने बोला 2215 के ऊपर आपको बाय करना है और 2146 के नीचे सेल करना है, बट ये रेंज बाउंड मार्केट होने की वजह से साइडवेज गया और एक रेंज के अंदर ही रह गया, तो इस पर बाइंग भी नहीं हुआ और सेलिंग भी नहीं हुआ, तो काम खत्म इस पर हमारा। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक हम कौन सा स्टॉक पे ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आपको बताऊंगा, मैंने 5 स्टॉक सिलेक्शन कर लिया। ओके, इंडाइसेस पे मैं जाकर टॉप गेनर और टॉप लूजर से जाकर स्टॉक निकाला है आपको। ओके, और बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ आपको मिल जाएगा लेवल्स बाय करने के लिए और सेल करने के लिए, और स्टॉप लॉस हमेशा जरूरी है ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम जाएंगे सिप्ला पे, आपको बताएंगे क्यों बाय करेंगे क्यों सेल करेंगे वो सब कुछ बताएंगे। ओके, ध्यान से देखें। इसलिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो हम आ चुके हैं सिप्ला पे। ओके, सिप्ला पे हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर ट्रिपल टॉप बनाया है मार्केट ने। ओके, ये देखो फर्स्ट टॉप बनाया है, ये सेकेंड टॉप बनाया है, ये थर्ड टॉप बनाया है। ओके, बट इसको ब्रेक करके ऊपर मार्केट नहीं गया, जब भी इसको टच किया नीचे आया, जब भी इसको टच किया नीचे आया, जब भी टच किया दोबारा देखो नीचे आया मार्केट। ओके, तो वाइस वर्सा आप नीचे भी देख सकते हो। ओके, जब भी मार्केट यहाँ पर आया रिजेक्शन लिया, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आ पाया ऊपर गया, जब यहाँ पर आया इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आ पाया। ओके, ऊपर गया, अब दोबारा नीचे आया था, दोबारा ये ऊपर चला गया। ओके, तो अब ये क्या होगा, ये वाला जो रेड कैंडल है ये दोबारा कोशिश कर रहा है नीचे आने के लिए। ओके, जैसे कि चार्ट पे हिस्ट्री रिपीट होता है वैसे ही प्रोबेबिलिटी क्या है, ये दोबारा जो रेड वाला कैंडल है यहाँ तक आएगा, यहाँ से दोबारा ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है। ओके गाइस, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको टच करके ऊपर जाएगा तो हम बाय करके प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट कहाँ तक, दोबारा यहाँ तक इस रेंज के अंदर। ओके, इस रेंज के बॉटम से बाय करेंगे और टॉप तक हम होल्ड करेंगे, तो इतना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर किसी वजह से इसको ब्रेक कर जाता है तो हमको इजीली यहाँ तक का टारगेट तो इजीली मिल जाएगा। देखो इस पॉइंट तक हमको टारगेट इजीली मिल जाएगा, तो हमको क्या करना है आपको बता रहे, अभी देखिए ये जो रेड कैंडल है इसके लो के नीचे, ये क्योंकि ये देखो 80% वॉल्यूम वाला कैंडल है, तो इसके नीचे मार्केट अगर आता है तो आप सिंपल क्या करो सेल कर दो, कहाँ तक आप यहाँ तक टारगेट बना लेना। ओके, तो आप चलते डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ पर भी देखते कैंडल का हाल कैसा है। ओके, देखो यहाँ पर भी वही हाल है,
देखो ओके, आपको करना क्या है, इसके नीचे सेल करना है और यहाँ तक फर्स्ट टारगेट लेना है। जब यहाँ पर आएगा आपको बस क्या करना है, पोजीशन से एग्जिट होना है और वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का। अगर एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो उसके हाई के ऊपर दोबारा आप बाय करोगे, बाय करके यहाँ तक का टारगेट लगाओगे। तो 15 के चार्ट पे चलेंगे, आपको बताएंगे। ओके, तो ध्यान से देखना गाइस, जो भी बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। तो देखो, इस पॉइंट के नीचे हमको सबसे फर्स्ट सेल करना है, अगर नीचे जाता है तो। ओके, नीचे जाता है तो सेल करना है, और यहाँ से आपको दोबारा क्या करना है, सेल और रिट्रेस बाई करना है आपको। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पर आपको मार्केट, इसको ब्रेक करके नीचे आएगा, आप सेल करोगे, यहाँ तक टारगेट बना लोगे, प्रॉफिट बुक करोगे, यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा तो आप दोबारा बाय करोगे और ऊपर तक होल्ड करोगे, ऊपर टारगेट आपको दिया हुआ है। बट अगर मार्केट ओपन होने के बाद नीचे नहीं आता, सीधा ऊपर चला जाता है, तब आप क्या करोगे, तब तब भी तो आपको बाय करके प्रॉफिट लेना है, क्योंकि ऊपर बाइंग साइड के लिए भी आपको टारगेट दिया हुआ है। तो आप सिंपल क्या करोगे, सिंपल इस लेवल्स के ऊपर बाय करोगे। ओके, ये वाला लेवल ले लो, ओके ये वाला लेवल्स के ऊपर बाय करोगे आप। तो ये मैंने मार्केट है, ये बड़ा सा कैंडल है, क्योंकि जहाँ पर हाई वॉल्यूम होता है वहाँ पर बड़ा प्लेयर्स एंटर करता है, और जहाँ पर एंटर करता है बड़ा प्लेयर्स, वहाँ पर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। कैंडल का हाई बन गया रेजिस्टेंस और लो बन गया सपोर्ट, तो इस हाई को रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आप दोबारा एंटर कर सकते हो बाइंग साइड के लिए। एकदम अच्छे से समझा दिया है, अगर कुछ डाउट है फिर भी पूछना जरूर। ओके, तो इसके ऊपर हम करेंगे बाय, तो इसको सेव कर लेते, पेन पेपर पास लेकर बैठना, ओके नोट करना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं लुपिन पे। ओके, हमारे पास ये दो है फार्मा स्टॉक, तो यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो है स्टॉक अपना सपोर्ट पे है अभी। ओके, जो स्ट्रांग सपोर्ट है, सपोर्ट पे खड़ा है, तो इसको ब्रेक भी कर सकता है, यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर भी जा सकता है, ये हम अभी नहीं बोल सकते। बट अगर इसको ब्रेक करेगा तो तब हम क्या करेंगे, और अगर रिजेक्शन लेकर ऊपर जाएगा तब हम क्या करेंगे, ये हमको पता है, तो हम उसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे। ओके, देखो फर्स्ट टाइम भी रिजेक्शन लिया, सेकेंड टाइम भी रिजेक्शन लिया, और थर्ड टाइम अभी आ रहा है, रिजेक्शन ले सकता है, ब्रेक भी कर सकता है। अगर रिजेक्शन लेगा तो क्या करेंगे, बाय करेंगे, अगर ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा लेवल्स को मार्क। ओके, सपोर्ट को हम मार्क कर लिया। ओके, हमने तो अब हम क्या हम हमको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चलना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है गाइस, ओके अच्छे से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो लॉस खुद का ही होगा, बाद में मुझे बोलकर कुछ फ़ायदा नहीं। जितना हो सकता है धीरे धीरे अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसके नीचे तो आपको करना है सेल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अगर आपको बाय करना है तो कब करना होगा, ये वाला जो लेवल से देखो, ये वाला थोड़ा सा क्या है, रेजिस्टेंस वाला लेवल से, तो इसके ऊपर आप बाय करोगे, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा मार्केट। अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में आपको अच्छा खासा क्या देगा, प्रॉफिट देगा। तो आपको टारगेट भी चाहिए होगा, टारगेट कहाँ तक, एटलीस्ट डाउन साइड आप यहाँ तक फर्स्ट टाइम यहाँ तक टारगेट मान लो, इससे ज़्यादा भी होगा फर्स्ट टारगेट है ये। ओके, सेकंड टारगेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखो अपसाइड के लिए भी आपको टारगेट दिया, डाउन साइड के लिए भी आपको टारगेट दे दिया है मैंने लूपिन पे। तो नेक्स्ट चलते हैं TCS पे, IT पे। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, अब मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा हॉल्ड किया, दोबारा ऊपर जाने लगा है, तो आप इसको क्या मान सकते हो। ओके, एक ये हेल्दी पुल बैक जैसा भी है, पुल बैक होने के बाद थोड़ा सा मार्केट क्या क्या रेंज पे रहा। ओके, तो अब इस रेंज को ब्रेक किया, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक रेंज बनाया था, रेंज को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है, तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है, तो हो गया। अब हम एक बार फिबोनाची को भी प्लॉट करके देखेंगे, स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगर फिबो को प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हो, या फिर क्या देख सकते हो, मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लिया है। देखो ये है 61.8% का इंपॉर्टेंट लेवल, और ठीक यही से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया और ऊपर क्लोजिंग दे दिया, और ये जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ये पॉइंट है 38.2%। तो इस हाई इसका हाई के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हम इजीली बाय करेंगे, और इसका लो के नीचे हम क्या करेंगे, सेल करके प्रॉफिट बुक करेंगे इस कैंडल का। एकदम सिंपल से मैंने समझा दिया है आपको,
तो बस आप अभी हमको मार्क करना है इस कैंडल का हाई और लो, क्योंकि इसका लो है 61.8%, इसका हाई है 38.2% फिबोनाची के हिसाब से। तो अगर फिबो के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट होना तय है हमारा, प्रॉफिट होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। तो 15 के चार्ट पे चलते हैं, आपको लेवल्स दे देते हैं। लेवल्स तो मैंने दे दिया आपको, देखो ये आप अपसाइड के लिए बाई करोगे 3666 के ऊपर, आप इजीली बाय करोगे। ओके, तो इसके ऊपर आप बाय करोगे। तो मैंने वीकली चार्ट पे फिबो को प्लॉट किया था, तो वो टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज़रा बड़ा है, इसलिए हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी एक बार फिबो को प्लॉट करेंगे और देखेंगे। ओके, अब इसका 38.2% ये वाला लेवल से। ओके, तो इसके नीचे हम सेल करेंगे, ये लेवल को हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे, 38.2% वाला लेवल सही है। ओके, हमने मार्क कर लिया, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे सेल करेंगे। अगर इसके बीच में ही मार्केट घूमता रहा तो हम कुछ नहीं करेंगे। आपको अगर नैरो डाउन करना है तो मैं नैरो डाउन करके भी दे सकता हूँ। ओके, नैरो करके दे ही देता हूँ, दे सकता हूँ का मतलब क्या है, दे ही देता हूँ। ओके, तो आप इसके नीचे ही शॉर्ट करना, थोड़ा सा रेंज जो है उसको छोटा कर दिया मैं आपके फायदे के लिए। इसके ऊपर आपको बाय करना है, इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है, ये फर्स्ट टारगेट आपको मिल जाएगा। ओके, और अपसाइड के लिए भी आपको अगर टारगेट चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, कोई दिक्कत ना लो, मिल जाएगा। सबसे पहला टारगेट ये ले लेना, उसके बाद ये वाला, ये जो गैप है, गैप फिल होगा ये वाला टारगेट। ओके, अपसाइड के लिए भी मैंने दो टारगेट आपको दे दिया एकदम इजीली। ओके, एक काम करो, इसको हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा 3793 तक टारगेट रख लो। तो TCS का भी काम खत्म है, तो अब चलते हैं HCL टेक पे। अच्छा, ओके, तो ये बार फिबो को ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, वीकली चार्ट है ये भी, ये भी अच्छा खासा मार्केट अप मूव किया था, उसके बाद हेल्दी पुल बैक है, अब दोबारा ऊपर जा सकता है मार्केट। ओके, करेक्शन मूव के बाद फिबो को एक बार सॉरी आपको बता देते हैं, तो मार्केट ने कहाँ पर रिजेक्शन लिया है ये देख लीजिए, 61.8% है यहाँ पर, तो यही भी सेम है, 61.8% में रिजेक्शन लिया है और 38.2% में रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग दे दिया है। 61.8 एंड 38.2 के बीच में मार्केट क्लोज हो गया है। ओके, तो 38.2 के ऊपर बाई करेंगे और 61.8 के नीचे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। एकदम सिंपल सा फंडा है। ओके, ध्यान से देखना, ध्यान से फॉलो करना। तो ये वाला कैंडल का हाई और लो हम सबसे पहले मार्क करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, हम आ चुके डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर हमको दिख रहा है ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला एरिया भी है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो टारगेट जो है ऊपर कहाँ तक जाएगा मार्केट, फर्स्ट यहाँ तक हमको टारगेट मिल सकता है। तो हम अब जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे और लेवल्स प्रोवाइड करेंगे आपको। देखिए 1189 के ऊपर आपको करना है बाई स्टॉक पे, और आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको सेल करना है तो मैं आपको बोलूँगा कि ये वाला जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, यहाँ तक तो वेट करना, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तभी आप सेल करना, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो इसके नीचे आप सेल करना। ओके, ये भी डन हो चुका है। तो अब हमारे पास लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, विप्रो। ओके, क्योंकि IT सेक्टर भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, तो विप्रो मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर भी अगर देखोगे आप, अच्छा खासा अप मूव था, उसके बाद एक पुल बैक है, पुल बैक के बाद दोबारा ऊपर जा सकता है, इस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो ये पुल बैक कहाँ पर ले रहे हैं, 38.2%, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल से यहाँ पर पुल बैक ले रहा है। ओके, रिजेक्शन लिया है, तो इसके हाई के ऊपर हम सीधा बाई करेंगे, और इसके हाई पे भी अच्छा खासा रिजेक्शन भी है वीकली चार्ट पे। अगर ये रिजेक्शन मतलब क्या रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ऑल टाइम हाई तक इजीली पहुंच जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। तो फिबो को रिमूव करते हैं और क्या करते हैं, लेवल्स को मार्क करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो सिंपल, हम क्या करेंगे, ग्रीन वाला कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे, उसके बाद जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई सब कुछ देखेंगे, उसके बाद सीधा थावा बोल देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ओके, तो देखो गाइस, ये है अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला एरिया, तो इसको ब्रेक करेगा तो प्रॉफिट हमको मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। ओके, 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है गाइस, आज एकदम स्लोली मैं करा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है।
जितना भी लंबा हो आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए, वही मेन बात है। ओके, इसके ऊपर तो आपको बाय करना है, और ये वाला देखो ये अच्छा खासा सपोर्ट है, इसके नीचे आपको सेल करना है या शॉर्ट करना है। आप कोई भी लो, ऑप्शन लो, फ्यूचर्स लो, कैश पे उठाओ, मुझे कुछ नहीं बोलना, बस आपको प्रॉफिट बुक करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है और विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है, बस यही है मेरे आपसे उम्मीद। ओके गाइस, तो स्टॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया कब बाय और सेल करना है, लेवल्स नोट करके रख लो, उसके बाद अपने चार्ट निकालो और चार्ट पे ये लेवल्स लगा लो। ओके गाइस, तो गाइस अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, आपका 1 लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।